नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं SSC GD के रीजनिंग के 25 ऐसे प्रश्न जो कि 2019 की विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को हम कैसे ट्रिकी अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल तेजी के साथ। तो देखिए, ये पहला प्रश्न आपके सामने है और जो ही प्रश्न आए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद खुद से रफ और पेन लेकर उत्तर दीजिए और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, तभी आपको लाभ मिल पाएगा, क्योंकि प्रश्न आने के साथ ही मैं उसका सलूशन बताना शुरू कर देता हूं। तो यहां पर इसमें बताना है कि कौन सा चित्र जो है इसी की जैसा है और इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि त्रिभुज का मुख ऊपर है तो त्रिभुज का मुख ऊपर ही रहना चाहिए, ये कहने का मतलब है इसमें। तो ऐसा किसमें है, तो देखिए अगर ए को देखा जाए तो इसमें ये जो त्रिभुज है तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो त्रिभुज है कुछ ज्यादा ही भीतर चला गया है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें जो देखिए ये वाला जो त्रिभुज है भीतर वाला ये है और इसके भीतर जो है एकदम थोड़ा सा गया है ये वाला त्रिभुज, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी ऐसा ही है, थोड़ा सा गया है, लेकिन ये वाला जैसा चाहिए वैसा ही इसके ज्यादा निकट जान पड़ता है, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। चार शब्द दिए गए जिनमें से तीन किसी प्रकार से किसी तरह से समान, जबकि एक अलग है, यानी कुल मिला के इतना है कि असंगत छाटना है। दौड़ा दौड़ी का मतलब आगे बढ़ना जल्दी से, तीव्र गति यानी आगे बढ़ना तेजी से, हड़बड़ी का मतलब जल्दी जल्दी काम करना, और मंद गति का मतलब एकदम इसका उल्टा हो गया, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ चिन्ह बदल देने हैं और चिन्ह बदलने के बाद आराम से इसका उत्तर दे देना है। तो चिन्ह बदलने के लिए आपको बस देखते जाना है, चिन्ह बदलते जाना है। तो देखिए गुड़े की जगह पे क्या है, तो कहां है और देखिए यहां पर गुड़े का अर्थ है विभाजन, तो गुड़े के जगह पे आप यहां पर विभाजन बना दीजिए, भाग चिन्ह बना दीजिए। अब माइनस के जगह पे क्या, माइनस का अर्थ है गुड़ा, तो यहां पर आप इसे गुड़ा बना लीजिए, आप रफ पे ऐसा लिख लीजिएगा। अब भाग के जगह पे क्या होगा, तो भाग के जगह पे होगा जोड़, तो यहां पर आप इसे जोड़ बना लीजिए, पुराने चिन्हों को भूल जाए। प्लस के जगह पर क्या होगा, तो प्लस का अर्थ है घटाव, तो यहां माइनस कर लीजिए। अब देखिए क्या आता है, तो 6 8 48 भाग दिए तो यहां पर 8 आ गया। अब ये बचा गुड़े 5, तो 8 5 इसको सलटाएंगे तो 8 5 हो जाएगा 40। अब 40 और 8 जोड़ने पर 48 हो जाएगा, 48 में से एक निकाल देंगे तो हमारा 47 आंसर आ जाएगा। जल्दी से उत्तर दीजिए और वीडियो को रोक के उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो देखेंगे तो यहां पर ज्यादातर में ऐसा होता कि इनको जोड़ के यहां पर लिख दिया जाता है, कभी कभी जोड़ के आधा कर दिया जाता है, कभी कभी जोड़ के 2 घटा दिया जाता है, 1 घटा दिया जाता है या 1 2 बढ़ा दिया जाता है, तो वैसी ही क्रिया इसमें करनी होती है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे 8 15 21 19 5 को, तो ये 68 आ जा रहा है, इसका मतलब इसको भी जोड़ने से हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप सबको जोड़ लीजिए और देखिए कि कितना आ रहा है, तो यहां पर सबको जब जोड़ेंगे आप तो यहां पर 60 आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 1 19 20 12 5 को जोड़ने से यहां पर 60 हमारा बी आंसर आ गया। अक्षर श्रृंखला का ये प्रश्न है, तो देखिए डायरेक्ट फर्स्ट आंसर ए है तो बी सी डी 3 का अंतर है, डी है तो ई एफ जी 3 का अंतर है, एच आई जे तो अब नंबर है, के एल एम पहले खाली स्थान पे एम आएगा, तो एम केवल इसी में है, इतने ही से और एम किसी में नहीं, तो टिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर M किसी और में भी होता, इसमें भी मान लीजिए होता, तो क्या करते, तो B है तो सी डी ई 3 का अंतर, एफ जी एच आई जे के एल एम एन भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाता B। 8 मित्र ABCDEFGHG समूह चर्चा के लिए गोलाकार मेज पर चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। अगर इन सभी प्रश्नों का अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। तो गोलाकार और 8 मित्र हैं, यानी कि हम प्लस बना लेंगे
और गोले बना लेंगे तो आठ का काम हो जाएगा, गोलाकार बनाने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। अब कर ए, एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा है। तो देखिए ये पैटर्न का प्रश्न जो है इसने हर मीटिंग में पूछा था 2019 के, बस प्रश्न थोड़े थोड़े बदल दिए गए, तो पैटर्न सेम टू सेम यही था। तो ए जो है एफ के ठीक सामने है और यही ए की कहानी चल रही है, ए की कहानी यही है एफ के सामने और यही है ई के दाएं से दूसरा है, ई के दाएं से दूसरा, यानी ई को अगर हम लोग यहां बैठा दें, ई के दाएं यानी कि ये दाएं हाथ ई ऐसे बैठा होगा तो दाएं यानी इधर, ई के दाएं ये पहला और ये यहां पर दूसरा हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी जो है बी डी आमने सामने बैठे हैं, कह रहा है कि बी और डी आमने सामने बैठे हैं। तो देखिए बी और डी यहां भी हम लोग बैठा सकते हैं, बी यहां डी यहां या डी यहां बी यहां, या बी यहां डी यहां या डी यहां बी यहां, यहां यहां भी बैठा सकते हैं, यहां यहां भी बैठा सकते हैं। कंफर्म नहीं है कहां बैठा है, झूठ मूठ का इस लाइन को कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। अब अगली लाइन ले लेते हैं, जी सी और ए के बीच में है, जी का किसके किसके बीच में है, सी और ए के, यानी कि जी यहां बना लेते हैं क्योंकि जी के एक तरफ ए है और एक तरफ सी है, तो एक तरफ जी के ए हो गया एक तरफ सी हो गया। कह रहा है एच जो है ई के बाईं ओर है, एच जो है ये ई है तो ई का बाएं हाथ नीचे होगा क्योंकि ऐसे बैठा है, एच के बाईं ओर कौन है, एच जो है ई के देखिए बाईं ओर हो गया। अब ये आमने सामने वाला जो छूट गया तो उसको हम लोग बैठा लेते हैं, बी डी के आमने सामने है, आमने सामने का मतलब अगर बी यहां है तो डी यहां होगा, अगर डी यहां है तो बी यहां होगा। अब प्रश्न पूछ रहा है ई के सामने कौन है, तो ई के सामने है ये ई है और ई के सामने है सी, वैसे ई और बी और डी की स्थिति बदलने से ई और सी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी जो कि विकल्प सी में ही है। अगला प्रश्न है, इसको देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। इस आकृति को पूरा करना है, किसके द्वारा पूरा होगा, तो जब ऐसा प्रश्न रहा करे तो ये चौथाई हिस्से में बताना है, तो आप किसी एक चौथाई हिस्से को या इसको या इसको या इसको ध्यान से देखा करिए। इस कंडीशन में वैसे इस वाले हिस्से को आप इधर बना सकते हैं, तो इस वाले चौथाई हिस्से को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या किसी भी हिस्से को देखेंगे तो सब चौथाई हिस्से में देखिए, एक ये चाप दो और ये तीन चाप, इसमें भी एक दो तीन चाप, इसमें एक दो तीन चाप है और गोल गोल चाप है, तो इसमें देखिए एक चाप ये दो चाप लेके तीसरा चाप सीधा है, ये कभी होगा ही नहीं, इसमें एक चाप दो चाप और तीसरा चाप ये सीधा है ये भी नहीं होगा, इन दोनों में कोई हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है इस लोकेशन को दर्शा रहा है, ये वाला जो है इस लोकेशन को दर्शा रहा है, तो ज्यादा सटीक है यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दाएं हिस्से को दिखा रहा है, ये जो आकृतियां चाप बन रहा है वो दाएं साइड में बन रहा है और ये दाएं साइड में हमें चाहिए ही, जबकि इसमें ये बाएं साइड में बन रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। मैट्रिक्स का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करिए। चलिए मैं हर प्रश्न में कोशिश करूंगा कि 5 सेकंड दे दूं ताकि आप उतने में वीडियो को रोक सके और उत्तर को बता सके। तो देखिए बहुत ही आसान इसमें है, क्या किया 9 और 4 को जोड़ दिया है, 9 4 13 15 और 6 21 यानी जोड़ दिया। अब 35 में कितना जोड़े कि 42 हो जाए, तो 35 10 हो जाएगा 45, यानी 35 5 40 और 2 42, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 7 जो कि विकल्प बी में है। मछली संबंधी प्लवक, तो मेढक संबंधी क्या होगा, मछली संबंध प्लवक तो मेढक संबंध क्या होगा, तो यहां पर आपको हो सकता है कि प्लवक का मतलब न पता हो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, तो जब मतलब न पता रहे तो थोड़ा सा विकल्प को देखकर अंदाजा लगाकर भी आप उत्तर दे सकते हैं कि प्लवक का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो विकल्प क्या कहलवाना चाह रहा है। तो मछली संबंध प्लवक यानी या मैं बता देता हूं, मछली जो है प्लवक को खाती है, तो मेढक किसको खा लेता है, तो कीटों को खा लेता है, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। अब ये प्रश्न है न्याय वाक्य का, तो हम लोग बिना रेखा इसका बनाते हैं। अधिकांश कवि लड़के हैं, याद रखिए भले ही अधिकांश कह रहा है, अधिकांश के जगह 99% भी कह देगा, 99.99% भी कह देगा, तो हमारा जो चित्र है वो
कुछ वाला ही बनेगा, सभी वाला ऐसा वाला चित्र नहीं बनेगा। अधिकांश कहे 99% कहे हर स्थिति में आपका चित्र जो है कुछ कुछ वाला यानी ऐसा ही वाला बनेगा। यानी अधिकांश कवि जो है क्या है, लड़के हैं। कवि का मतलब इसमें कवयित्री भी कहना चाह रहा है। वैसे हम लोग न्याय वाक्य में प्रश्नों में ज्यादा अर्थ नहीं समझते हैं, बस लिख देते हैं कुछ लड़के चित्रकार है तो कुछ लड़के जो है चित्रकार बना लेते हैं हम लोग। जब ऐसा चित्र बनता है तो मैंने बताया था एक ये वाला चित्र भी बनता है जिसमें किसी में कुछ को लिख दीजिए, कवि लड़के चित्रकार, दोनों में आंसर सही होगा तो सही मान लिया जाएगा। वैसे एक चित्र से भी आंसर अधिकांश सही आता है। कुछ चित्रकार लड़के हैं तो कुछ चित्रकार लड़के की बात कर रहे हैं, सही बात है। इतना जो भाग है कुछ चित्रकार का लड़के हैं, सही है। इसमें तो होगा ही कुछ लड़के चित्रकार, इसमें तो है ये भी। अब कुछ कवि चित्रकार है तो कुछ कवि चित्रकार है, दोनों में इतनी दूरी है यानी कवि यहां पर खत्म हो जा रहा है, चित्रकार यहां पर खत्म हो जा रहा है, दोनों में दूरी है यानी इसका मतलब होगा कोई कवि चित्रकार नहीं। जबकि ये कह रहा है कि कुछ कवि चित्रकार है तो ये वाला निष्कर्ष इसमें गलत हो गया। इसमें अगर पढ़ा जाए कुछ कवि चित्रकार है तो इसमें तो कुछ कवि चित्रकार सही हो जाएगा। पिछले वाले में ये वाला पोजीशन था, मैंने इसको दर्शा दिया था, पिछले वाले में ये था, इस वाले में ये है, कुछ कवि चित्रकार इसमें सही है। लेकिन एक में गलत एक में सही तो भी हमारा आंसर हो जाता है गलत, यानी पहला सही है दूसरा गलत है, हमारा आंसर हो जाता है बी। अरे हमारा आंसर हो जाता है हाँ बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें भी वही बताना है कि ये जो बिंदु बिंदु ये है, ये बिंदु आर है, आपको अगर दिख नहीं रहा तो मैं बता दूं ये बिंदु है, इसको ऊपर की तरफ आधा फोल्ड किया जाए तो कैसा चित्र बनेगा। तो देखिए ये वाला जो नुकीला भाग है वो तो इस पे आके एकदम सेट हो जाएगा, यानी पता नहीं चलेगा, ये तो खत्म हो गया इसका महत्व। अब ये जो बचा एक यहां चलाएगा त्रिभुज, एक यहां, ये ऐसे यानी इसके जैसा दिखने लगेगा, आप कल्पना करके देख लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाता है बी। अब यहां पर बहुत ही आसान प्रश्न पूछ रहा है, जीके से संबंधित भी है, कि थर्मामीटर संबंधित तापमान तो लैक्टोमीटर संबंधित क्या होगा। तो थर्मामीटर संबंधित तापमान तो लैक्टोमीटर संबंधित हमारा हो जाएगा दूध, क्योंकि थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। पहले पद से जो संबंधित वैसे दूसरे से चौथा क्या होगा, यानी कि कुल मिलाकर समरूपता का प्रश्न है। तो दो संबंध 12 है तो पांच संबंध उसी तरीके से क्या होगा, तो दो में क्या किया जाए कि 12 हो जाए, तो जोड़ के भी हो जाता है और गुणा करके भी। तो दो छ के यानी छह का गुणा करेंगे तो दो छह के 12, तो पांच छह के हमारा आंसर हो जाएगा 30। असंगत का चयन करें यानी अलग छांटना है, वीडियो रोक के उत्तर दीजिए, वीडियो आगे बढ़ाइए। तो देखिए वैसे यहां पे थोड़ी सी एक जगह गलती है, चलिए उसको भी देख लेंगे। G है तो H, T है तो U, यानी एक एक का अंतर है। A है तो B, एक छोड़ के N है तो O, यानी क्रमशः है। C है तो D, O है तो P यहां पे रहना चाहिए। वैसे Q भी है तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। लेकिन यहां पर E है तो F, बगल में यदि R है तो S, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ये दिक्कत भी ना भी हो वैसे भी हो तो भी यही वाला अलग होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा का अंतर दिखाई दे रहा है। आंसर हो जाएगा सी। कक्षा के बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं, देखिए नया प्रश्न है, आनंद बाएं से सातवां, आनंद जो है इधर से बाएं से सातवां, और विनय दाएं से, जो विनय है, विनय है जो दाएं से पांचवां है, यानी इधर से ये सातवां और इधर से ये पांचवां। आनंद और विनय के बीच में यानी इसके बीच में पांच छात्र हैं बैठे हैं। कुल मिलाकर कक्षा में बेंचों की संख्या छह है, ये बात ध्यान देने वाली है। देखिए बाएं से सात लोग हैं, दाएं से पांच लोग, बीच में पांच लोग, यानी कि सात प्लस पांच प्लस पांच, पांच पांच दस सात, ये हो गया 17, यानी कि टोटल इस लाइन में 17 लोग दिखा रहे हैं। और ऐसे ही छह पंक्तियां हैं तो 17 गुणे छह कर लीजिए, 7 6 42 के 2
छह किम छह चार दस यानी 102 हमारा आंसर आ जाएगा जो कि विकल्प डी में है। फिर ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, तीसरा से संबंधित है, दूसरा से क्या है ये कुल मिला के यहां पे देख लेंगे, संबंधे और समरूपता का चिन्ह तो आप समझ जाएगा कि क्या है। थर्मामीटर ये प्रश्न शायद रिपीट कर रहा है, थर्मामीटर संबंधे तापमान तो लैक्टोमीटर संबंधे दूध होगा, ये रिपीट कर दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ए है तो इसमें बी लिखा है उसके जगह यानी प्लस एक, पी है तो क्यू आर यानी प्लस एक के बाद अब प्लस दो किया है, ध्यान दीजिएगा। आर है तो एस टी यू, पढ़ के ही समझ में आ जाता है कितना का अंतर तीन का। ओ है तो यहां पर लिखा है एस यानी ओ है तो पी क्यू आर एस यानी कि प्लस चार, और प्लस पांच का होना चाहिए। एन है तो एन को छोड़ के पी क्यू आर, एन है तो ओ पी क्यू आर यानी प्लस चार ही का रह गया, जबकि यहां पे पांच का होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, एक दो तीन चार लास्ट में पांच रहना चाहिए लेकिन चार ही है तो हम लोग भी ऐसा ही ढूंढ लेंगे। तो एस है तो एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा टी, यू है तो दो बढ़ाएंगे तो वी डब्ल्यू, आर है तो तीन बढ़ाएंगे तो एस टी यू, अब जेड है तो चार बढ़ाएंगे ए बी सी डी, डी हो जाएगा। आई है तो भी अब चार ही बढ़ाएंगे, आई है तो आई नहीं है, हम लोग गलत चेक कर लिए, इससे चेक करना चाहिए था, हमने इससे आंसर ला दिया। चलिए फिर से देखते हैं, इसको हटा दे इसकी कोई जरूरत नहीं है। एस है तो टी एक बढ़ाए, टी है तो दो बढ़ाना है, यू वी अब तीन बढ़ाने का नंबर, ओ है तो पी क्यू आर, भी है तो चार बढ़ा, भी है तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आ जाएगा, लेकिन अब भी फिर चार ही बढ़ाएंगे हम लोग, ई है तो एफ जी एच आई, तो ये किस विकल्प में है, टी वी आर जेड, टी वी आर जेड इसमें है, टी वी आर जेड इसमें भी है, टी वी आर जेड नहीं है, टी वी आर जेड नहीं है, लेकिन लास्ट में आई आना चाहिए जो कि विकल्प ए में है। और जो लोग पांच समझ गए होंगे जल्दीबाजी में तो वो गलती से सी को टिक कर सकते हैं। और फिर समरूपता का प्रश्न है तो किसी तरह से लगा सकते हैं इसको, पहले से पहले का अंतर निकाल लीजिए, सी है तो जहां चलते हैं उसको छोड़ के, जहां पहुंचते हैं उसको लेकर, यानी सी को छोड़कर गिनेंगे और जी को लेकर गिनेंगे, तो सी को छोड़ के सी के बाद डी ई एफ जी यानी कि प्लस चार, तो डायरेक्ट इसमें आ जाइए। एल है तो M N O P, पहले खाली स्थान पे P, इसमें नहीं है काट देंगे, इसमें नहीं काट देंगे, अब हमारा आंसर A और C में से कोई एक होगा। तो दूसरा देखते हैं, C है तो D तुरंत आ गया, तो E है तो F तुरंत आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है A। और भी दूसरे तरीके से लगा सकते थे इसको हम लोग, लेकिन किसी तरीके से लगा लीजिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। दर्पण छवि बताना, जो कि बेहद आसान है, दाएं की वस्तु बाएं हो जाती, बाएं की वस्तु दाएं तरफ पलट जाती है, और अपने स्थान पर भी, और पूरी की पूरी भी, पूरी पूरी के मतलब टी जो है इस दर्पण के किधर भी दर्पण बना लीजिए, या ये समझिए ये दाएं साइड में है इधर, तो एकदम ये बाएं साइड में चला जाएगा, यानी टी ऐसे का ऐसे बन जाएगा। आर इधर की तरफ मुंह है तो ये ऐसे बन जाएगा, ई है इधर का मुंह तो इधर बन जाएगा, वी है वैसे का वैसे ही दिखेगा, ओ वैसे का वैसे ही दिखेगा, आर ऐसे बन जाएगा, टी ऐसे बनेगा। एन को ध्यान रखिएगा, एन में जो एन वास्तव में ऐसे लिखा रहता है, यानी इसका झुकाव ऐसे रहता है, तो याद रखिएगा दर्पण हो या जल हो, कोई भी तिर्यक रेखा अगर ऐसे झुकी है तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे झुकी है तो ऐसे हो जाएगी, तो एन का झुकाव ऐसे है बीच वाली रेखा का, तो अब हम लोग ऐसे कर देंगे तो सही हो जाएगा, आई वैसे को वैसे बनेगा। वैसे आपको परीक्षा में बनाना नहीं है, आप बस देख लीजिएगा आंसर में से कौन सा ऐसा है, टी आर ई तीन देखते हैं हम लोग, टी आर इसमें लिखा ही नहीं है, इसमें है ही नहीं, बस इसी में टी आर ई है, हमारा आंसर हो गया सी। विकल्प से आप आंसर को थोड़ा जल्दी ढूंढ सकते हैं। अब दी गई श्रृंखला में क्या हो रहा है ये आपको पता करना है, तो 37 10 47 होता लेकिन 45 लिखा, यानी कि प्लस 8, 45 10 55 होता लेकिन 53 लिखा, यानी कि प्लस 8, 53 10 63 होता 61 लिखा, यानी प्लस 8 है, तो 61 में 8 जोड़ देंगे तो 61 10 71 होता है, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 8 है ना, तो 69 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाता है ए।
तो दोस्तों आज का ये ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।